Welcome back to GS Quick Learning. The topic of today is a bank. What is bank and what are the various types of bank and what are the features of bank? So let's we start. Firstly, what is the meaning of bank? So bank is basically a financial institution which simply what receive the deposits of general public and provide the loans to needy people who want a loan. सो सिंपली बैंक क्या होता है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस के साथ डील करता है, जो लोग होते हैं जिसके पास सेविंग्स होती हैं उनकी, जो डिपॉजिट्स करवाते हैं उनसे रिसीव करता है और उन्हें क्या करता है, जो पीपल्स को लोन चाहिए उसको लोन प्रोवाइड करता है. तो बैंक ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज. और बैंक का और क्या काम है कि जो बिजनेसेस होते हैं डिफरेंट उनको अच्छे से मेंटेन करने के लिए उनको लोन प्रोवाइड करता है, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है. क्लियर? ओके, नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक. सो फर्स्टली हमारे पास है कमर्शियल बैंक. तो व्हाट इज कमर्शियल बैंक? सो दीज बैंक आर रेगुलेटेड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948. कमर्शियल बैंक बेसिकली क्या होती है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के रिगार्डिंग जो है रेगुलेट की जाती है. सो ये बैंक का सिंपली क्या काम आता है, क्या काम होता है कि जो जनरल पब्लिक है उनसे रिसीव करना डिपॉजिट्स को और उनको लैंडिंग देना, इट मीन्स उनको जो है लोन प्रोवाइड करना. क्लियर? नेक्स्ट बैंक इज कोऑपरेटिव बैंक. व्हाट इज कोऑपरेटिव बैंक? कोऑपरेटिव बैंक आर कोऑपरेटिव सोसाइटी. जैसे हमारे विलेजेस एरिया में होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उनके कुछ मेंबर होते हैं, जो उसके मेंबर होते हैं उनको चीप इंटरेस्ट पर जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि कम इंटरेस्ट लेकर उनको मेंबर्स को लोन प्रोवाइड किया जाता है जिसको चाहिए होता है लोन. क्लियर? बेसिकली ये रूरल एरिया में होते हैं. ओके, नाउ थर्ड वन इज स्पेशलाइज्ड बैंक. कौन सी बैंक होती है? दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू स्पेशल इंडस्ट्रीज फॉरेन ट्रेड. सो सिंपली अपनी इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करने के लिए और अपने फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जो बैंक होती है उनको लोन प्रोवाइड करती है. जो इंडस्ट्रीज होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, जहाँ जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन ट्रेड्स करते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, सो दैट कि हमारे कंट्री जो है उसका इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड हो सके और हमारे कंट्री को फ़ायदा हो सके, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ सके. सो उसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक. फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज्ड बैंक आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक. जैसे हमारे फॉरेन एक्सचेंज बैंक होगी जो सिंपली फॉरेन एक्सचेंज की एग्जिस्टेंस के लिए बनी हुई है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो बेसिकली एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए बनी हुई है. ठीक है? सो सिमिलरली डेवलपमेंट बैंक जो डेवलपमेंट करने के लिए बनी हुई है कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट की जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक. नाउ थर्ड वन इज सेंट्रल बैंक. व्हाट इज सेंट्रल बैंक? तो सेंट्रल बैंक सिंपली मेनली हमारे पास एक ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1935 को एस्टेब्लिश हुई थी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होती है कि जो सबसे एपेक्स एक इंस्टीट्यूशन है जो बाकी सभी बैंकों को क्या करता है, रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है. दिस बैंक मैनेज चेक एंड मोनिटर ऑल एक्टिविटी ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक. सो सिंपली जो भी हमारी कंट्री में बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक, उन सबको मोनिटर करता है, चेक करता है ये बैंक, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बैंक. सो कौन कौन से फंक्शंस है बैंक, क्या क्या करती है, हम इसको फीचर्स में भी इन्वॉल्व कर लेते हैं. फर्स्टली एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, मैंने पहले ही बता दिया कि व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ बैंक, टू रिसीव द डिपॉजिट्स ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोवाइड द लोन टू नीडी पीपल. सो सिंपली एक्सेप्ट कर देता है जो भी लोन, जो जिसके पास सेविंग्स होती है उनसे जो है सेविंग को रिसीव कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है एज ए डिपॉजिट्स. ओके, सो उसके बाद है लैंडिंग ऑफ फंड, की जो है जो पीपल्स हैं जिसको चाहिए लोन की जरूरत है उसको जो है लोन प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट पर. और चेक फैसिलिटीज, मीन्स की चेक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है. अगर कोई किसी ने हमारे अकाउंट में जो है अकाउंट ओपन करवाया होता है बैंक में, तो उसको चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. किसी के पैसे रिसीव करने का काम करता है एज ए इंटरमीडियरी, तो ये भी परफॉर्म जो है बैंक के द्वारा की जाता है. ओके.